अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ोरो जी फोरम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम नाइडेरिया का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे कि नाइडेरियंस जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम डिफरेंट वेज़ को डिस्कस करेंगे कि नाइडेरियंस जो हैं वो ऑन द होल कॉमन जो है किन वेज़ को यूटिलाइज करके किन वेज़ से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम सिर्फ वेज को डिस्कस करेंगे, हम फर्दर उनकी डिटेल जो है कि कौन सा एनिमल किस वे से रिप्रोड्यूस करता है या कौन सी क्लास के एनिमल्स किस वे से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस नहीं करेंगे। वो हम फर्दर वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल इन सब की। तो वो जब हम क्लास हाइड्रोजोआ, क्लास क्यूबोजोआ और डिफरेंट क्लासेस फाइलम नाइडेरिया के डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, तो तब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट वेज को की बात करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो नाइडेरियंस हैं वो डाइशियस होते हैं। डाइशियस के उनके पास जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं, और वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ही स्पर्म और एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ इंडिविजुअल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और कुछ एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होती है। तो स्पर्म्स और एग्स जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो या तो वो दो वेज हो सकते हैं, या तो वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ही रहें। हम देख लेते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या है। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, ये एक पॉलिप बॉडी फॉर्म है, ठीक है, नाइडेरियंस की। तो इसकी हम बात करें तो ऊपर की तरफ माउथ होता है, नीचे इनकी बॉडी जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है। तो ये इनकी दरमियान में यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है इनकी, ठीक है। तो या तो एग्स जो है वो स्पर्म और एग्स दोनों जो हैं वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर रहेंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, या फिर आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, जब स्पर्म और एग्स जो हैं वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में रहेंगे, तो इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन वहीं पे होगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। जबकि अगर तो वो बाहर की तरफ रिलीज़ होते हैं, जिसका मतलब है आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो अगर तो कुछ केसेस में क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है, तो एग्स जो है वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो वहीं पर पेरेंट के अंदर ही रहता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ही, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद, फॉर एग्जांपल ये फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, इसके बाद ब्लास्टुला बनता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो अर्ली डेवलपमेंट में क्या होता है कि ब्लास्टुला विच इज़ अ होलो स्फीयर ऑफ सेल्स वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसके जो सर्फेस सेल्स हैं बाहर वाले, ये क्या करेंगे, ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। माइग्रेट करने के बाद ये क्या बनाएंगे, गैस्ट्रोडर्मिस जो कैविटी, गैस्ट्रोडर्मिस जो है वो बनाएंगे, ठीक है, लेयर, गैस्ट्रोडर्मिस लेयर बना देंगे। उसके बाद जो एम्ब्रियो है वो इलोंगेट करेगा, इलोंगेट करने के बाद एक सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा प्रोड्यूस होगा, जिसको प्लैन्यूला लार्वा कहते हैं। ये फ्री स्विमिंग लार्वा एक जो है वो प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ये प्लैन्यूला क्या करेगा, ये अटैच करेगा किसी सबस्ट्रेट के साथ, और सबस्ट्रेट के साथ अटैच जब कर जाएगा तो उसके बाद एक यंगर पॉलिप जो है, बॉडी फॉर्म जो है, या एक यंग पॉलिप जो है वो डिवेलप करता है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि पॉलिप कैसे बना, पॉलिप थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए पॉलिप की फॉर्मेशन हुई, पॉलिप बना, ठीक है, पॉलिप प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी फॉर्म होती है मेड्यूसा बॉडी फॉर्म। तो मेड्यूसा कैसे बनता है, डेली ऑलवेज फॉर्म बाय बडिंग, हमेशा मेड्यूसा कैसे बनेगा, बडिंग फ्रॉम द बॉडी वॉल ऑफ द पॉलिप, के पॉलिप में क्या होगा, जो है वो बडिंग होगी, पॉलिप की बॉडी वॉल पे कोई बर्ड बनेगी, उस बर्ड से क्या बनेगा, मेड्यूसा। मतलब मेड्यूसा कैसे बनता है, मेड्यूसा फॉर्म्स बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलिप। तो पॉलिप से क्या बन जाएगा, मेड्यूसा। मेड्यूसा की बॉडी जो है वो कुछ शेप इस तरीके से होती है, ठीक है, इन्वर्टेड बाउल टाइप होती है। एंड पॉलिप में फॉर्म अदर पॉलिप्स बाय बडिंग। उसके अलावा पॉलिप जो है वो बडिंग के थ्रू पॉलिप भी बना सकता है, और पॉलिप जो है वो बडिंग के थ्रू मेड्यूसा भी बना सकता है, ठीक है। बर्ड्स में डिटैच फ्रॉम द पॉलिप और दे में रिमेन अटैच टू द पेरेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट द कलोनी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो दोनों केसेज हो सकते हैं, बर्ड जो है वो वहीं पर अटैच रह सकती है पॉलिप के साथ ही, उसके अलावा ये पॉलिप से अलहदा होकर न्यू इंडिविजुअल भी बना सकती है। अगर तो वो उसके साथ ही अटैच रहती है तो कलोनी ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाएंगे, ठीक है।
तो हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, डिफरेंट केसेस कौन कौन से हो सकते हैं। ये डाइशियस होते हैं, स्पर्म और एग्ज होते हैं, वो या तो गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी में ही रहेंगे या फिर आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाएंगे। अगर तो वो अंदर ही रहते हैं गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी में, तो वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइज्ड एग जो होगा उसमें जो है डिवेलपमेंट स्टार्ट होगी, ब्लास्टुला बनेगा, फिर उसके बाद जो है प्लैनुला लार्वा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और वो प्लैनुला क्या होगा, वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा और फिर जो है वो एक यंग जो है वो बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि मेड्यूसा की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो मेड्यूसा फॉर्म्स बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द पॉलिप। पॉलिप की बॉडी वॉल पे एक बर्ड बनेगी, बर्ड से मेड्यूसा बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कॉलोनी ऑफ इंडिविजुअल्स भी बन सकते हैं बडिंग के जरिए, और ये अलहदा होकर सेपरेट भी इंडिविजुअल बन सकता है, ठीक है। तो हम ये नाइडेरियंस का लाइफ साइकिल है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये मेड्यूसा है, मेड्यूसा बॉडी फॉर्म है, ठीक है। मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, एग और स्पर्म बने, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट, उसके बाद ब्लास्टुला, फिर प्लैनुला लार्वा बना, फ्री स्विमिंग लार्वा, ये सेटल कर गया किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर और वहाँ पर फिर पॉलिप जो है वो डिवेलप हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसमें बडिंग हुई पॉलिप में, और बडिंग के प्रोसेस के थ्रू मेड्यूसा बन गया। उसके अलावा अगर इनमें बडिंग होती है तो बडिंग के जरिए दोबारा से पॉलिप भी बन सकता है। तो हम इससे क्या लें कि अगर मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद पॉलिप बनाता है, और अगर जो है वो पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो बनाएगा मेड्यूसा, ठीक है। तो एक फॉर्म अल्टरनेट होकर दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है।